हेलो एवरीवन वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स कैसे हैं आप सब बच्चों को इंग्लिश अच्छी तरह से आने के लिए एक उनको वोकेबलरी आनी चाहिए यानी इंग्लिश के बहुत सारी वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए इसके अलावा उनको सेंटेंस फॉर्म करना आना बहुत ज़रूरी है तभी वो इंग्लिश बात कर पाएंगे तो अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन पे वर्क कर रहे हैं तो आप बेसिक कॉम्पोजिशन के साथ बच्चे को बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट फ्यू सेंटेंसेस ऑन मैंगो क्योंकि बच्चे ने अभी अभी स्टार्ट किया है एज अर्ली एज यू के जी के बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं दो दे के नॉट राइट बट दे कैन टेल यू ओरली अगर क्लास क्लास टू में है तो लिखने के लिए कहिए तो राइट फ्यू ऑन मैंगो हिंट के साथ आप कुछ वर्ड्स दीजिए सो दैट इन वर्ड्स को मेन वर्ड्स को यूज करते हुए बच्चे सेंटेंसेस लिख पाए सी मैंगो के बारे में फर्स्ट थिंग इज फेवरेट मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट सेंटेंस फॉर्मेशन Mango is my favorite fruit. Mango is called king of all fruits. Next, national fruit. Next word. The mango is a national fruit of India. Summer season. Summer season, so we get mangoes in summer season. Pickle juice jam. We can make pickle juice and jam with mangoes. जूसी फ्रूट या फिर mangoes आर जूसी fruits. तो इस तरह पांच से पाँच से लिखने के लिए encourage करिए बच्चे अगर बहुत छोटे हैं तो orally आप इस चीज को composition को करवा सकते हैं एंड ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ टीचर की तरफ से होमवर्क की तरह मिले कॉम्पोजिशन राइटिंग आप खुद भी बच्चे को बिज़ी रख सकते हैं हेल्प कर सकते हैं उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन में आइदर वाइल टॉकिंग ऑल वाइल राइटिंग तो सिंपल सी चीज़ से आप स्टार्ट करिए इस तरह की कॉम्पोजिशन से और बच्चे की हेल्प करिए इससे ना जो छोटी छोटी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज एम आर या फिर पास टेंस में बात करना तो ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं यहाँ पे है एप्पल रिलेटेड कॉम्पोजिशन राइट फ्यू सेंटेंसेज ऑन एपल एपल में भी सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स हैं फेवरेट ग्रीन रेड वी गेट ग्रीन एंड रेड एपल्स एप्पल आर हेल्थी वी गेट एप्पल इन विंटर सीजन वी कैन मेक जूस एंड जैम यूजिंग एप्पल एंड द लास्ट वन इज डॉक्टर अवे दैट इज एन ऐपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे तो इस तरह की कॉम्पोजिशन से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं सेंटेंस फॉर्म करना हेल्पिंग वर्ब्स यूज करना ओरली ही सही बोलने के लिए कहिए इनकरेज करने के लिए कहिए इस तरह की चीज़ें जब आप टाइम टू टाइम करवाते हैं ना तो ये जो फॉरेन लैंग्वेज है इंग्लिश इसको सीखने में बच्चे को आसानी होगी सो so ये था आज का वीडियो अबाउट हाउ टू हेल्प योर केड इन इम्प्रूविंग सेंटेंस फॉर्मेशन आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel, and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.